ये सांप जो देख रहे हैं बैंडेड करेत, जिसको हिंदी में बोला जाता है राज सांप, बंगला में शाखा मोती। ये गांव का एक कहावत है कि ये सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और ये सांप अगर माट में रहेगा तो सोना चांदी मिल सकता है, आदमी का भरम है। तो यही आदमी का कहना है। और एक आदमी शिक्षित था, जान पहचान आदमी था वो, और सांप के बारे में थोड़ा उसका नॉलेज भी था। तो उसने देखा करीबी नज़दीक में कौन है स्नेक रेस्क्यूअर, तो उसने कॉल लगाया। तो ये मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर है, गांव है रदीपुर। तो वहीं माट में ये सांप 3 दिन से गिरा हुआ था, जहाँ ताल गाछ होता है ना, ताल गाछ का गोड़ा, जो मतलब करीब 2 फीट का आसपास गड्ढा था वो। तो उस गड्ढा में क्या किया, ये इंडियन रेड स्नेक सांप जो होता है, जिसको ढामन सांप बोला जाता है, वो भी किसी माट में रहता है। तो उसी को खाने के लिए चक्कर में ज़्यादा ये ज़मीन माट मैदान में अभी रहता है ये, नहीं तो आसपास में कहीं घर मकान में भी मिल सकता है इसको। तो वही अगर मान लीजिए वो खाने के लिए वहीं गया था, तो ये इसने उसको शिकार कर लिया। शिकार करने के बाद क्योंकि उस क्षमता से ज़्यादा खा लिया था, बल्कि चल नहीं पा रहा था। तो गांव का आदमी 3 दिन से उसको देख रहा था, कोई आदमी बोलता है नहीं पकड़ो, कोई आदमी बोलता है मार दो, कोई आदमी बोलता है उसको पकड़ के कोई स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाओ, वो अगर उसको पकड़ के लेके जाएगा। वो भी जानता है कि सपुरा को देंगे तो सपुरा लोग उसको खिलाएगा, लेकिन सपुरा लोग जब भी जानता है इस सांप को टच नहीं करेगा, इस सांप को इन लोग हाथ नहीं देगा, क्योंकि सांप के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी सांप को इन लोग भी देखिए। ज़्यादा उन लोग के पास सांप पाइएगा खरीस इंडियन रेड स्नेक, वो भी बोलेगा, भरम दे देगा कि ये इसका फीमेल है, इसका ये फीमेल। में नहीं, नहीं मेरे भाई, सबका फीमेल एमेल होता है, इस सांप का भी फीमेल एमेल है। तो मैं देरी बिना चलिए सांप को अभी पैक किया जाए। तो यही आदमी का एगो भरम है। आदमी हमको बहुत कुछ बोला, बहुत गाँव का आदमी बहुत कुछ कह रहा था, तो सबको हम जवाब दे दिए, सबको भरम से हम निकाल दिए। तो मेरे भाई पूरा वीडियो आगे तक बने रहिए, पूरा वीडियो को देखें, स्किप ना करें, पूरा आराम से देखिए किसके हम इसको कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं। गांव के आदमी कुछ कुछ बहुत ही साहसी होता है, जैसे ये भाई देख रहे हैं बहुत ही साहसी, मेरे पीछे नहीं हट रहा था, इसने पूरा हेल्प किया हमको। और इसको अब यहाँ भर नहीं पाएंगे, उसको उधर ही डांगा पे लेके जाएंगे, क्योंकि इधर पूरा बारिश है। चलिए भाई मेरे बैग पकड़िए और चलिए आगे, बनते रहिए, कोई ख़तरा नहीं है भाई, चलिए मेरे आगे आएगा, चलिए अब मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो देखिए सांप आ गया, ये इसको अभी लेके जा रहा हूँ मैं उसको। इधर पूरा बारिश है ना, और इधर पूरा खेती बाड़ी में जो है पानी है, और पानी भरा हुआ है, और इसको अभी खोल देंगे तो मान लीजिए ये दौड़ेगा तो हम इसके साथ नहीं दौड़ सकेंगे। ये बहुत ही शांत स्वभाव का सांप है, ये देखिए ये काटता है मगर 100 में 1 को काटता है, और जिसको काटेगा बचना मुश्किल है, बिल्कुल बचना मुश्किल है। ये सांप देखते ही ना मारे, ये बहुत ही शांत स्वभाव का सांप है। ये ही तीर बुझा कर बैंडेड करे, ये ज़्यादा ज़मीन में मिलता है, जहाँ आपका ज़्यादा पाट भुट्टा चास होता है वहीं पर भी ज़्यादा ये रहता है। और खाने का इसका मकसद है कोई भी सांप, ये कोई भी सांप को आसानी से निगल लेता है, कोई भी सांप को खा लेगा, ये आसानी से खा लेगा कोई भी सांप को ये बचने नहीं देता है। इससे भी क्षमता बड़ा सांप होगा तो ये पकड़ने के लिए कोशिश करता है। तो ये खासियत यही है, ये कोई भी सांप को खा लेता है। और बिना देरी के चलिए मेरे साथ, इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा मैं, क्योंकि ये पूरा ये सांप खाने के बाद ना चल नहीं सकता है, क्योंकि इतना बड़ा सांप को निगल लेगा तो चलेगा कैसे। इसीलिए 3 दिन से पड़ा हुआ था ये सांप एक ही जगह में, 3 दिन से गिरा होने के कारण आदमी का को डर पैदा हो गया था कि ये सांप क्यों नहीं भाग रहा है, वहीं एक जगह में क्यों है। तो गांव का आदमी अच्छा था, जिसका ज़मीन था वो भी अच्छा था, बोल के ये सांप को नहीं मारा, बुलाया हम लोग को, तभी उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। आदमी भी देखेगा, कोई कोई आदमी बोलता है इसको पकड़ने मत दो, कोई कोई आदमी बोलता है बहुत पैसा होगा, बहुत, अरे भाई पैसे ही होगा तो ये सांप को घर घर पे रख लो भाई, क्या अजब अजब आदमी है रे भाई, दुनिया में बहुत तरह का आदमी है, आदमी का कोई कमी नहीं होता है दुनिया में। तो जहाँ ये हम लोग का मेन रोड था ना, मेन रोड से हमको 3 किलोमीटर जाना पड़ा, 3 किलोमीटर खेत खेत में, 3 किलोमीटर जाने के बाद इसको हम पकड़े। ये पूरा ज़मीन है, यहाँ तो कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं घुसेगा बरसात के मौसम, और पूरा आल आल में हम लोग गए। तो देख रहे हैं ये भागने की भी कोशिश कर रहा है, तो मैं उतना
ये जो हम ई हुक में पकड़े ना, इसको ज़्यादा प्रेशर देंगे तो इसका रीढ़ हड्डी टूट सकता है। इसका भी एक पकड़ने का कला है, अगर ज़्यादा कस के दे देंगे तो रीढ़ हड्डी टूटने के बाद ये मर भी सकता है। इसलिए मेरे भाई सांप को देखें ना, आप लोग प्रयास करें पकड़ने का। जो स्नेक रेस्क्यूअर नज़दीकी है उसको बुलाइए, क्योंकि स्नेक रेस्क्यूअर जो है आसानी से मिल जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में अवेलेबल रहता है। तो आप लोग स्नेक रेस्क्यूअर का सहारा लेना, झाड़ फूकना, ओझाना, तंत्र मंत्र। कोई छपरा भी आपको घर से सांप पकड़ के नहीं देगा, क्योंकि उन लोग जानता है कि हम उनको देखिए। अक्सर उन लोग का घर में क्या है, उन लोग के पास सांप रहेगा तो दांत को उखाड़ के फेंक देता है, लेकिन हम लोग का सांप जो है जैसा है उसी तरह रहता है। हम लोग ना उससे छेड़खानी करते हैं ना उससे तकलीफ़ देते हैं। हम लोग खाली इंसान से सांपों को बचाना, सांपों से इंसान को बचाना, यही हम लोग का मकसद है, यही हम लोग का सोच है। ना सांप किसी को आपको नुकसान करेगा, ना सांप आपको काटेगा, लेकिन कटने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, हम लोग सही सलाह देते हैं, सही उच्चार करते हैं, सही बात बोलते हैं। तो यही गांव का आदमी बोलता है ये सांप रहेगा तो पैसा देगा, गांव का आदमी सोचता है कि पैसा बना के देता है ये सांप। लेकिन नहीं रे भाई, इसका नाम ही है राज सांप, बैंडेड करे त्रिभुजा कर का नाम ही है राज सांप। बोल के समझता है कि पैसा ये ज़्यादा देता है, गांव देहात में जब रहता है जिस जगह पे रहता है बहुत ही पैसा का बारिश मिलता है। लेकिन ये गलत बात है भाई, ऐसा भरम है आप लोग का, ये कुछ नहीं होता है। भरम आप लोग का भरम ही भरम है, लेकिन ये भरम कीजिएगा तो कैसे क्या होगा बोलिए। इसलिए मेरे भाई कभी भरम में ना रहें, आप लोग जागरूक होइए। और सांप कभी काटे तो ही मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि ना झाड़ फूँक, ना ओझाना, तंत्र मंत्र, सीधा हॉस्पिटल का सहारा ले। हॉस्पिटल का सहारा नहीं लीजिएगा तो मारा जाइएगा दोस्तों। ये सांप अगर किसी को काट लेगा तो उसका बचना भी मुश्किल है। यही है बैंडेड करित राज सांप, ये कोई भी सांप को आसानी से खा लेता है। कोई भी सांप जितना भी बड़ा हो ना क्यों, ये खाने के लिए कोशिश करता है। और ये सांप खाने के बाद इस जिस जगह पर रहता है 5 दिन 6 दिन भी रहता है, ये कहीं भागता नहीं है, क्योंकि वो चल नहीं पाता है। उतना बड़ा चीज़ को अगर निकाल लेगा उसका जान से ज़्यादा को, तो जैसे हम लोग कुछ खाने के बाद हम लोग भी ठेल नहीं सकते हैं ना, तो ये भी चल नहीं सकता, क्योंकि हजम जब करेगा तभी ये चल सकता है, बिना हजम में कभी नहीं चल सकता। इसलिए मेरे भाई ये सांप कहीं भी अगर दिखाई देगा, क्योंकि अभी बरसात के मौसम हर जगह ये सांप है, ये रात को मूवमेंट ज़्यादा करता है, दिन में इसको नहीं देख पाइएगा। रात को रात 11 साढ़े 11 बजे के बाद ये मूवमेंट करता है ये सांप, तभी निकलता है और ये अपने भोजन की तलाश में रहता है। तो उसी टाइम मान लीजिए आप लोग बिना टॉर्च में पैदल चल रहे हैं, तो फिर दुर्घटना आप लोग के साथ कर भी देगा ये। इसका नेचर बहुत ही कम है और रात में ही एक्टिवेट होता है ये सांप। तो गांव का आदमी बहुत ही सब अच्छा अच्छा बात भी बोला है, और अच्छे तरीका भी उन लोग को हम बोल दिए हैं कि भाई सांप काटेगा तो सीधा सदर हॉस्पिटल, ना झाड़ फूँक, ना ओझा, ना तंत्र मंत्र। और मेरे स्नेक को जो देख रहे हैं पेज को